सिंबल्स को संदर डाल। दोस्तों ये देखिए कचरा पे कितना कचरा दिख रहा है आपको, कचरा वो निकल रहा नहीं है पूरा झटके में, जो मसला था ना वो यहीं से। ये देखिए देखिए दिख रहा आपको, ये दिख रहा हूँ पड़ी है कपड़ा डालने का। ऊपर कैसा कलर है, ये नीचे पानी है, देखा आपको मैं आपने क्या क्या आया। हमने पूरा पेट्रोल निकाला, कम पेट्रोल निकल रहा है ये देखिए दोस्तों किस तरह से फास्ट ही पेट्रोल बाहर आ रहा है, बट वहाँ पानी नहीं पेट्रोल तक नहीं निकला। हाय दोस्तों, जैसा कि आप सबके पास ना बाइक तो होगी, बाइक मेरे पास भी है, बट कभी अपनी बाइक अगर झटका मारे तो अपने को क्या करना चाहिए, जैसे कि कभी अपनी कैसा गाड़ी में बारिश के टाइम में टाके अंदर पानी चले जाता है, तो हम नीचे गाड़ी जो एक छोटा स्क्रू होता है उसको खोलते तो वहाँ से थोड़ा पेट्रोल पानी निकलता है, फिर मेरी गाड़ी सही चलती है। तो मेरी भी गाड़ी ना भाई झटका मार रही है, तो मैंने भी स्क्रू खोला था बट वहाँ पानी नहीं पेट्रोल तक नहीं निकला, तो किसी लोहे की चीज़ से मैंने पतली चीज़ से लेकर साफ किया तो अंदर पेट्रोल तो गंदगी भी आई। तो दो तीन दिन पहले दोस्तों उसको मैंने कार्टर का नीचे का ढक्कन खोला था तो उसमें बहुत सारी मिट्टी थी, मैंने साफ करके लगाया तो कुछ हद तक सही चली, तो आज फिर हल्का हल्का झटका ले रही थी और मैंने पेट्रोल गाड़ी में फुल कराया दोस्तों, फिर वो सही हो गई। तो चलो दोस्तों अपन चल के ना देखते हैं प्रॉब्लम है क्या और किस तरह हम अपने बाइक की जो होती है ना टाकी को क्लीन करेंगे, कार्टर क्लीन करेंगे, ये देखते। हो सकता कभी आपके साथ में भी ऐसा हो तो आप भी अपनी बाइक का अपने हाथों से क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस पेट्रोल की टाकी का पूरा पेट्रोल हम खाली करेंगे, उसके बाद में ये गाड़ी का जो ए नट का भी खुलता नहीं, ट्राई करें खुला तो ठीक है, नहीं तो हम वो साइड से इस गाड़ी का कैपेटर निकाल के पूरा उसको भी क्लीन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसका हम सीट खोल लेंगे इस तरह से कुछ। दोस्तों ये नट खोलने के बाद में कुछ इस तरह इसका बूस्ट निकाल के साइड रख लो और इसका वायर है ना वायर इसको अलग कर दो कुछ इस तरह से, तो पीछे खींचे उसको किस तरह बाहर निकाल लो। अब इसका पूरा अपन पेट्रोल खाली करेंगे, देखते हैं इसके लिए कितना पेट्रोल है। उसमें पेट्रोल आना चालू हो गया है, ये देखिए बहुत सिलो सिलो पेट्रोल आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना इसके अंदर इसके जाली के अंदर कचरा फंसा हुआ है, इसलिए इतना धीरे धीरे इसमें से जो पेट्रोल है बाहर निकल रहा है। फिर मैं देखते रिजर्व में कि अपना ये अपना अपना ऑन है, ये रिजर्व में ही है और रिजर्व में इतना स्लो नहीं कर रहा पेट्रोल, ये देखिए एक बार इसके ऊपर का नट खोलते एक बार ज़रा, उसमें एयर जा रही कि नहीं जा रही है, ऊपर हमने खोल दिए अभी तभी इसमें बहुत स्लो स्लो पेट्रोल आ रहा है। अब फिर इसको पहले खाली कर लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको हमें। दोस्तों देखिए इसमें कितना कम पेट्रोल निकल रहा है, जो कि पूरी टाकी पूरी फुल है। अभी आपको दिखाते हैं ना इसको एक दूसरे तरीके से पेट्रोल बाहर निकालने का तरीका, वैसे रात हो जाएगी निकलते निकलते, दिख रहा आपको वो डब्बा देखो जरा भी भरा नहीं है। तो ये देखिए इसको इस तरह इसके अंदर अपने पाइप डाल दिया अपन ने और सिंपल सा ढक्कन को लगा दिए इसके अंदर, देखो मुंह से खींचेंगे डायरेक्ट पाइप से किस तरह खींचेंगे देखो अभी। ये देखिए दोस्तों किस तरह से फास्ट ही पेट्रोल बाहर आ रहा है, ये देखिए दिख रहा आपको और तभी कितना स्लो स्लो पेट्रोल उसके अंदर बाहर आ रहा था पेट्रोल। ये आपको दिख रहा है अभी को जब खुलेंगे ना तो इसके नीचे इसके अंदर बिना बहुत गंदगी या मट्टी दी, इसको दिखा दो किस तरह जमी रहेगी। अभी आप देखिए इसको किस तरह से भरते जा रहा है डब्बा ही, तो तभी आप देखिए बिल्कुल पेट्रोल निकल रहा था, इसीलिए गाड़ी झटका ही मार रही थी, इसमें प्रॉब्लम ये भी था। और पेट्रोल भी आप साफ करेंगे क्लीन कर दिखाएंगे आपको एक बार। तो दोस्तों ये देखिए हमने पूरा पेट्रोल निकाल लिया, बस पेट्रोल के अंदर ना काफी कचरा है, हमें दिखता नहीं रहेगा इसके अंदर ना काफी कचरा है। और अभी क्या करेंगे इसको पहले खोल लेंगे और पूरा पेट्रोल बाहर निकालेंगे, कोशिश करेंगे टाकी को धो भी दे पानी से।
जब से गाड़ी आई ना ऐसा कभी क्लीन हुई नहीं गाड़ी है। अजय भाई टंकी साफ कर दी यार। इसको वैसे यहाँ पे टांग देते देर के लिए, उधर को यहाँ रखते। और इसके अंदर आपको दिखा तो इसमें इतना कचरा है ना, इतना गंदगी इसके अंदर है ना, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आपको दिखाता मैं, इसमें तो गंदगी इतनी ना, बट दिखाई दे रही नहीं कैमरे में। दोस्तों इसमें ये देखिए, इसमें कितना गंदगी दिख रहा है आपको, ये दिखा आपको मैं आपने क्या क्या है, देखो दिखा आपको, ये पूरा मसला ना ये चीज़ का था। और एक चीज़ ये देखिए, ये पेट्रोल देखिए, इसमें देखो नीचे कैसा कलर है, ऊपर कैसा कलर है। ये नीचे पानी है और ये गंदा पेट्रोल है, इसके वजह से भी गाड़ी बहुत झटका मार रही थी। इस गाड़ी में ये सब मसले थे, इसलिए साल दो साल में एक बार आप खोल के क्लीन कर लिया करो। अभी इसके अंदर भी बहुत गंदगी है, अभी इसको साफ जो करना है ना, इस तरह इसके अंदर कपड़ा डालने का और एक स्क्रू ड्राइवर लेने का पूरा कपड़ा, पूरा कपड़ा हिलाने का पूरा अच्छे से, जो भी गंदगी रहेगी ना वो सब इस कपड़े के अंदर फंस के आ जाएगी। देखा आपको ये कितनी गंदगी भरी पड़ी है। तो दोस्तों अपन एक बार ना इसको भी खोल के देखेंगे क्या इसमें भी कुछ, तो पूरा खोल रहा है यार, एक सेकंड पूरा तो नहीं खोलना अपने को, पहले ये खोलना है उसके बाद पूरा खोलेंगे, पहले ये खोल के चेक करेंगे अपन। तो खुल रहा तो नहीं है बिल्कुल, फूला थोड़ा सा भी है दोस्तों, इसको भी खुल के चेक करेंगे अपन। अभी पूरा भी खोल के चेक, पाइप भी चेक कर लेंगे खोल के। तो उसको उसको खोले हमने, ओहो दोस्तों ये दिख रहा आपको इसकी क्या हालत है, इसमें कितनी गंदगी भरी पड़ी है। आपको दिखा दो कुछ चीज से, मैं दिख रहा आपको, ये दिख रहा इसके तो पूरा झटका गाड़ी मार रही थी दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए जाली, इसकी जाली की हालत देखो, क्या हालत हो गई जाली की। और यहाँ भी देखो इसमें कितनी गंदगी भरी पड़ी, देखो देखो देखिए आपको, देख रही ये देखिए, ये देखा आपको, ये इससे ज्यादा अंदर भरा पड़ा है, ये हमने उल्टा करे से पूरा इसके अंदर चले गया, ये तो पूरा यहाँ जमा रहता है। ये देखो आपको दिख रहा है, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए देखिए, ये देखिए आपने इसमें कितना गंदा भरा हुआ है, पूरा झटके लेने का मसला था ना वो यहीं से स्टार्ट हो रहा था, दिख रहा आपको ये सब। तो थोड़ा बहुत क्लीन करते हैं फिर आपको गाड़ी चला के दिखाते हैं हम। तो दोस्तों इसमें पानी डाल के क्लीन कर लेंगे, क्योंकि उस तरह से ना वो निकल रहा नहीं है। पहले पानी डालेंगे इसको, हिलाएंगे और सारी गंदगी भरने की पूरी कोशिश करेंगे कुछ इस तरह से। इसमें पानी डाल दिए ना तो पूरा देखो ऊपर तैर रहा है पूरा कचरा, तो पूरा भर देते पानी से। हमने गुस्सा तो साफ करे हैं, बट ये भी तरीका आप देख लो। पूरा कचरा ना तैर रहा है, इसको पहले साफ करते फिर आपको दिखाते। दोस्तों ये देखिए आपको उसके अंदर दिख रहा कितना कचरा काला काला, ये देखिए
दिख रहा आपको कचड़ा, ये पूरा इसके ना भरा हुआ है। जो हमने इतना तो निकाले, बाकी ना कपड़ा पोंछ के इसको निकाल के आपको दिखाते। तो दोस्तों ये देखिए कचरा पे कितना कचरा भी आया है, देखिए देख रहे हो। तो दोस्तों इसमें मट्टी देख कितना मट्टी निकल रहा है, देख रहे हैं काला काला सब टाकी। दोस्तों ये क्लीन हो चुका है अभी, अब इसको सिंपली हम फिट करेंगे। तो ये लग चुका है अभी, देखिए इसमें एक रबड़ भी ज़रूरी है, नीचे रबड़ लगा हुआ ध्यान देना। ये देखिए रबड़ तो नीचे दिखा भाई, ये देखिए रबड़ है ना, ये रबड़ ध्यान देना, रबड़ इसमें लगा रहना चाहिए। अभी इसको टाइट करेंगे, ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है अभी, ताकि तुमने साफ कर दी। अभी सोच रही गाड़ी का कैपेटरी खोल के साफ कर दे। दोस्तों इसकी बारी है, सिंपल इसको संदा डाल दिए और ये नट टाइट कर दिए। कार्टर खोल के आप फिर से साफ कर देंगे थोड़ा सा। आपको दिखाते नीचे क्लीन, देखा हमने एक बार इसको क्लीन करे थे नीचे, बहुत मट्टी थी इसके अंदर, देख नीचे क्लीन, पर हमने ऊपर नहीं खोले थे उसको, उस टाइम हमारे टाइम था नहीं। तो उसको दोस्तों खोल लेंगे और पूरा भारी निकाल देंगे सबसे अच्छा। तो ये तो साफ सुथरा से इसको अभी अपना, इसका नाम है ना थ्रोटअप, ये सेंसर, ये तो सही है, पर इसको कुछ चेक करते कि गंदा है कि नहीं गंदा है, इसको ऐसे हम टाइट कर डालते हैं। तो उसको हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं अफ्तारी का, उसको देखिए हमने कावेटर लगा चुके हैं और फटाफट आपको टाकी लगा कर गाड़ी चला के दिखाते किस तरह गाड़ी चलती है। तो दोस्तों बहुत कचरा इसमें निकल रहा है, थोड़ा डबल कर कचरा जा रहा पूरा।